भिलाई मजदूर संघ द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में संघ में हो रहे गड़बड़ियों पर चर्चा की गई, साथ ही संघ के चुनाव को अवैधानिक बताया गया। खबर दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन इससे पहले GB24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। भिलाई मजदूर संघ द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए संघ में हो रहे कई प्रकार की गड़बड़ी को लेकर आरोप लगाया, साथ ही उन्होंने दूसरी बार संघ के चुनाव को अवैधानिक बताया और माननीय न्यायालय के आदेश का स्वागत किया गया। देखिए, ऐसा है कि भिलाई इस्पात मजदूर संघ जो कि मान्यता प्राप्त यूनियन है भिलाई स्टील प्लांट में, उसकी कमेटी के चुनाव संपन्न हुए थे 2023 अक्टूबर में, जिसमें कि दो बॉडियां बना के दो चुनाव अलग अलग डेट में, एक 3 अक्टूबर को और एक 10 अक्टूबर को, दोनों ने अपनी अपनी पदाधिकारियों की लिस्ट पंजे को सौंपी थी कि ये इलेक्शन करवाया गया है। उसमें से जो हमने प्रस्तुत की थी उसको अवैधानिक घोषित करते हुए चिन्ना केशवेलू के नेतृत्व में जो पंजे को ई फॉर्म सबमिट किया गया था उसको वैधानिक घोषित किया था पंजे ने, जिसके विरुद्ध और नियम अनुसार 1926 अधिनियम श्रमिक कानून का धारा 28 जे कहती है कि अगर पंजे के पास एक ही यूनियन के दो इलेक्शन होके दो ई फॉर्म एक ही समय में प्रस्तुत किए जाते हैं तो उस परिस्थितियों में पंजीयक बिना औद्योगिक न्यायालय के परामर्श के उनको रजिस्टर नहीं कर सकता, परंतु अनैतिक तरीके से दबाव में पंजीयक ने हमारे जो ई फॉर्म था उसको अवैधानिक घोषित किया और चिन्ना केशलू जिस ग्रुप के महामंत्री थे उसको वैधानिक घोषित किया, जिसके विरुद्ध हमने औद्योगिक न्यायालय में प्रवाद प्रस्तुत किया था। अभी के लिए बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GB24 न्यूज।